बेटी बेड से गेम किधर होगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हम लोग बहुत ही बढ़िया हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी टर्टल कपल। और लास्ट व्लॉग में हम आपको कई केव्स नहीं दिखा पाए थे, लेट हो गए थे, तो आज हम वो उसकी भरपाई कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं केव। कुछ भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी रहना नहीं चाहिए, जो स्टार्ट करो उसे ख़त्म करना चाहिए। तो हमारे फ्लोर पर 3 लिफ्ट हैं ये दोनों, मगर हम इससे जाते हैं चाहे कहीं भी हो, ये चाहे चौथे पे हो या पाँचवें पे हो, हम इसका वेट करते हैं। हम आधे आधे घंटे वेट करते हैं। अगर ये लिफ्ट नहीं होती तो हम सीढ़ियों से जाते हैं। फाइनली बहुत दूर चलने के बाद, बहुत टाइम हो गया, मैं चलते हुए पूरे आधे घंटे हो गए, तो हम रुक गए अपने लोकल मैकडी पे, वड़ा पाव सेंटर। आधा आधा तो ऑलरेडी हम खा भी चुके हैं। ये मेरा था वैसे, मुंबई आओ, पुणे आओ, महाराष्ट्र आओ, कहीं भी आओ, वड़ा पाव खाओ, सस्ता सुंदर टिकाऊ। अच्छा भैया, 15 रुपए का होता है यहाँ का लोकल मैकडी। और ऐसा नहीं है सिर्फ बाहर के लोग खाते हैं यहाँ पे बड़ा पाव, यहाँ के लोकल लोग भी बहुत बहुत ही खाते हैं। मतलब हमारे यहाँ ठेला है, मतलब घर के आसपास ही, उस पर आप किसी भी टाइम चले जाओ, हमने हमेशा देखा है, क्या बोलते हैं, उसके वड़ा पाव पे बहुत ही भीड़ रहती है, बहुत ही। और 15 रुपए का देता है, और वो तो नमक भी नहीं डालता वड़ा पाव में, नमक भी नहीं होता उसको, फीका लगता है, फिर भी इतनी भीड़ होती है। सोचो नमक डाले तो कितनी भीड़ हो। बेड से गेम किधर होगी? ताई बोलो। हाँ बोलो। नहीं दीदी बोल दो। तो काम कर रही है। तो बोल दो ना दीदी। दीदी आंटी भैया, इग्नोर कर दिया आंटी ना। मैं रास्ता देख रहे हो कितना पतला है, उसने पत्थर पड़ा है। दो गाड़ी तो आ नहीं सकती, एक ही गाड़ी का ट्रैक है। अगर उधर से कोई गाड़ी आ रही हो तो पीछे करनी पड़ेगी। ये वैसा नहीं है शिमला में था। यहाँ हमारी गाड़ी पार्क है और ऊपर हमें जाना है। ये लोग आगे गाड़ी लेके जा रहे हैं, पता नहीं रास्ता भी है नहीं। हम जा रहे हैं बैठ से केव। ये ट्रैकिंग है, 400 सीढ़ियाँ हैं और फर्स्ट सेंचुरी में बनी थी, तो बहुत पुरानी है और काफ़ी प्रिजर्व भी है, तो अच्छी है। चलते हैं ऊपर। अब देख रहे हो ऊपर, आपको लोग भी दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या सीढ़ियों पे आते हुए?
शायद नहीं दिख रहे बट हाँ ये सीढ़ियाँ हैं इधर, ये है इसकी मेन एंट्रेंस। बैठ से के जय राम जी की सीढ़ियाँ, लोग उतरना भी चालू कर दिया लोगों ने। अनगिनत सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें एक गेट दिख रहा है। ये गेट ऐसा ही लगा जैसे स्वर्ग पे चढ़ के आ गए हो, फाइनली स्वर्ग का गेट दिख गया। कितनी मेहनत करते हैं गाइस हम आप लोगों के लिए, एटलीस्ट लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करो यार, क्या फायदा हमारी इतनी मेहनत करने। देखो पसीने भी आ गए, 50 रुपए काट लो। जो भी हमारी वीडियो देख रहा है प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। ये शक्ति कपूर और अनिल कपूर एक साथ आ गया था इनमें, अभी ऐसी भड़क जाती हैं। आप कर दिया करो सब्सक्राइब, ठीक है मैं आपको प्यार से बोल रहा हूँ कर दिया करो प्लीज। और हमने एक गलती करी है, मैं आपको बताऊँ, कभी भी ट्रैकिंग पे आओ पानी की बॉटल जरूर लेके आओ। हम लेकर आए थे घर से लेकिन गाड़ी में भूल गए, तो हमने आधी गलती करी है। आप मगर गलती मत करना क्योंकि हालत खराब हो गई और इस तरह पानी की एक शॉप भी नहीं है, एक भी की कोई पानी की बॉटल भी नहीं है। फाइनली पहुंच गए। है ना ये कतई पहाड़ों के बीच में और बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल सा है, पूरा जंगल ऐसे नेचर की वाइब आ रही है पूरी बढ़िया वाली। पता नहीं कौन कौन से जानवरों की आवाजें सुनाई दी, ऐसा करके। ये कोई जानवर नहीं था, मैं मेरी सुरीली आवाज है ये इनकी। गाना हो जाए, गुंज रहे ना आवाज, गाना अपनी असली आवाज सुना दो सबको, गुंज रही मेरी आवाज तो सुनाओ ना अपनी असली आवाज। सुनाई तो भूत वाली जो तुम्हारी ओरिजिनल है। और हमारे सामने व्यू कितना प्यार लग रहा है ना, दिखाओ दिखाओ दिखा दो दिखा दो व्यू देखो आप लोग। और क्या चाहिए ऐसे व्यू घर के आसपास, तो और क्या चाहिए। चाय पकौड़े, पानी तो है नहीं, थक गया यार। ओ तेज आ गई बारिश, अब उतर ही लेते हैं, भीगी तो भीगेंगे तो थोड़ा सा। ओ भाई स्लिपरी हो रही है, तो आराम से चलो भागो मत, स्लिपरी हो रही है, स्लिपरी। उतरने के बाद मिलते हैं आप लोगों, थोड़ा उतरने के बाद मिलते हैं, वरना हम रोल होते चलेंगे आपके साथ ही। वीडियो तो छोड़ो, फोन भी जाएगा। ये जो ट्रैक था छोटा सा ये हो गया कंप्लीट, हमने ट्रैकिंग कर लिया और चढ़ के गए थे ऊपर तक, जहाँ जहाँ आपके ऊपर तक नजर आ रही ना वहाँ तक चढ़े थे, दिख भी नहीं रहा यहाँ से बट ऊपर तक चढ़े थे। और अब चढ़ चढ़ा के आ गए वापस, मजा आया, देखा ही होगा आपने नेचर वेचर का, बढ़िया लग रहा है एकदम झकास बोले तो। अब हमने नीचे आने के बाद होटल में एक यूनिक चीज़ देखी, आप देखो
हाँ मतलब रेस्टोरेंट प्याज का छप्पर बना रखा है, पता नहीं क्यों। अगर आप में से किसी को पता है कि ये प्याज ऊपर क्यों लटकी हुई है तो कमेंट करना। यूनिक है यार कुछ। तो गाइस हमने आपको केक भी दिखा दी जो पिछले व्लॉग में रह गई थी। हाँ। और अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो पहले पिछला व्लॉग देख के आना, मुंबई वाला, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। यस तो गाइस प्लीज देखो, हम इतनी मेहनत करते हैं उसके लिए, प्लीज थोड़ा सा प्यार तो बनता है ना यार। बस सब्सक्राइब कर दो आप और हमारी वीडियो देखते रहो। यस बाकी हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। और अगर हमारी कोई वीडियो में कुछ लग भी रहा आपको कि कुछ मिस्टेक्स है या कुछ मिसिंग पार्ट है जो नहीं मजा आ रहा, बोरिंग है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ, तभी तो हमें पता चलेगा ना, क्योंकि हमें तो अपने अकॉर्डिंग जो सही लगता है हम बना लेते हैं, बट आपके अकॉर्डिंग भी तो हमें पता चलना चाहिए ना गाइस। तो हम बहुत जल्दी Q&A वीडियो रखेंगे, जैसे ही हमारे 1500 सब्सक्राइबर होते हैं Q&A रखेंगे, तो जल्दी जल्दी करा दो, 200 ही बचे हैं।